हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 15th ऑफ नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, यानी हम क्वांटिटीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं, तुलना कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर तुलना की गई है, जो है कंपेयर किया गया है, स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम इसका वेट है और एप्पल का है 200 ग्राम। तो यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों की जो वेट है उसको कंपेयर किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्पीड को कंपेयर किया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल की स्पीड है और कार की स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दोनों क्या किए गए हैं, ये कंपैरिजन किया गया है बिटवीन द स्पीड ऑफ दीज टू व्हीकल्स। नाउ इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज। तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जनरली हम कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज को। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर और व्हाट पार्ट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। इससे हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि कोई क्वांटिटी दूसरी से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटी। हम जो है रेशियो का यूज करते हैं क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। When we compare two quantities, the units must be same. जब भी हम बच्चों दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो यूनिट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। सिंबल ऑफ रेशियो इज, रेशियो का सिंबल क्या होता है, ये क्या होता है, रेशियो का सिंबल होता है, सभी बच्चे जानते हैं, रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। तो रेशियो उसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे देखिए वेट की यूनिट होती है ग्राम किलोग्राम, इस तरह रेशियो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन रेशियो निकालते हुए यूनिट्स जो जो भी क्वांटिटी हमने ली है, लाइक वेट लिया है, स्पीड ली है, वो जो यूनिट है वो जो है क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। नाउ इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम टू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस उनको कंपेयर कर सकते हैं कन्वर्ट करके। इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर दो फ्रैक्शन जो है वो क्या है, इक्वल है, देन वी से दैट द रेशियो आर इक्विवेलेंट। तो रेशियो क्या है, रेशियो जो है क्या है, वो इक्विवेलेंट है। तो अब देखिए फाइंडिंग रेशियो इज वन ऑफ द सिंपल मेथड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। सो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज द फ्रैक्शन। तो रेशियो टू क्वांटिटीज का जब हम रेशियो निकालते हैं वो क्या निकलता है, वो फ्रैक्शन निकलता है, और वो अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। चलिए बच्चे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो आपको 3 किलोमीटर का रेशियो निकालना है 300 मीटर के साथ। अब यूनिट तो सेम नहीं है, ये किलोमीटर है ये मीटर है, क्या करेंगे, यूनिट्स पहले हमें इक्वल करनी पड़ेंगी। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 3 में निकालने हैं तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 3000। तो यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3000 रेशो 300 तो गिवन है ना मीटर। अब 20 से 20 इसकी कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30 बाय 3, तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो रेशो कितना आ गया, 10:1 जो है यहाँ पर रेशो आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, ये जो है कुछ आपको गिवन है जो आपको लर्न करने हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इनको कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं बेटा, 100 पैसे, सभी बच्चे जानते हैं, ये भी जानते हैं। 1 day is equal to 24 hours। ओके, 1 hour is equal to 60 minutes। 1 kilometer is equal to 1000 meter। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होंगे, 1000 मिलीलीटर। एंड 1 dozen किसके इक्वल होगा, 1 dozen, 1 dozen इज इक्वल टू 12। 12 क्या है, नंबर। ओके, जैसे 1 dozen जो है बनाना हो गए तो उसमें नंबर का हम यूज करते हैं 12, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। उसके बाद देखिए कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन,
फ्लैक्स आर ऑलवेज मेड इन अ फिक्स रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। जो फ्लैक्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में, उसकी लेंथ और ब्रेथ की एक फिक्स रेशियो जो है वो उसमें बनाए जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स हैं फॉर 6 स्टूडेंट्स के लिए। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की जो है नीड होगी। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स 3, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट, हम यहाँ फ्रैक्शन इसको बना लेंगे। तो देखिए 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए 3/6, और 24 स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6 × 24। सो 6 12 जा एंड 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा 12, तो कितना आंसर आ गया 12 जो है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लाख। राजस्थान की पॉपुलेशन गिवन है 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 लाख। ओके, राजस्थान की पॉपुलेशन दी गई है और यूपी की पॉपुलेशन आपको दी गई है। एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का एरिया जो है वो है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर और एरिया यूपी का है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट्स। आपको बताना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने जो है पीपल होंगे। तो आपको 3 लाख जो है स्क्वायर मीटर की पॉपुलेशन दी गई है, यहाँ से आपको 1 लाख की निकालनी है और आपको बताना है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट जो है वो लेस पॉपुलेटेड होगा। सॉल्यूशन देखिए, आपको केवल एक स्टेप दिया गया है, बाकी आपको खुद करना है। पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ राजस्थान है 570 लाख, तो एक का निकाल लेंगे, 570 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 190 लाख। तो बेटा इसी तरह से हम यूपी का भी निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसको हम निकाल लेते हैं। सो यहाँ से ये ऑलरेडी जो है आपकी वर्कशीट में गिवन है, हमने अभी देखा, उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है यूपी के लिए। पॉपुलेशन इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ यूपी कितना दिया गया है 1660 लाख। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ पीपल जो है वो कितने होंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 830 लाख जो है आंसर आ गया। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम किसकी है, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, तो कम पॉपुलेशन किसकी आई राजस्थान की, 830 लाख है पर किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पर कितनी है 1660 लाख जो है आपको 2 लाख में दी गई थी और यहाँ पर निकली कितनी है 830 लाख है यूपी के लिए और यहाँ पर कितनी है 190 लाख जो है वो किसके लिए है राजस्थान के लिए है। तो अब यहाँ से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये देखिए ये किसके लिए है राजस्थान के लिए और ये किसके लिए है, ये है यूपी के लिए। ठीक है, यूपी के लिए 830 लाख है पर स्क्वायर मीटर और यहाँ पर आपको जो है 190 लाख है, तो कम किसकी हुई, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको यहाँ पर रेशियो निकालनी है इनकी। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो इनको हम 1 by 1 इनकी रेशियो निकालेंगे और साथ साथ इनको समझेंगे। फर्स्ट जो है आपको रेशियो निकालनी है 5 rupees to 50 paisa। तो देखिए यहाँ पर यूनिट हमें सेम करनी है ना, पैसा है ये रुपीज में है, तो हम क्या करेंगे रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 rupees = 100 paisa, तो 5 rupees क्या हो जाएगा 500, रेशो निकालेंगे 500:50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी और 50 और 5, तो 5 1 = 5 और 5 10 = 50, तो यहाँ से रेशो कितनी निकल गई 10:1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा 5 5 1 = 5 और 5 10, तो कितनी रेशो आ गई 10:3 और सॉरी 10:1 जो है यहाँ पर रेशो आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 15 kg to 210 जो है ग्राम। सो यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम गिवन है, यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 kg = 1000 ग्राम एंड 15 kg = 15,000 ग्राम। रेशो निकालेंगे तो यहाँ से हम यूनिट्स को हटा देंगे रेशो निकालते हुए, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 7 = 21 और 3 यहाँ पर ये 500 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है 3 5 = 15 हो जाएगा, 2 0 as it is हो जाएंगी, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 500:7।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 9 मीटर 227 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर जो है यहाँ पर यूनिट सेम करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर इज इक्वल टू 9 × 100, तो कितना आ गया 900 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेशो निकालेंगे तो रेशो कैसे निकलेगी, 900 सेंटीमीटर इज टू 27 सेंटीमीटर, यूनिट्स हटा देंगे हम और ये कितने पे हो जाएगा, ये 9 से ही डिवाइड हो जाएंगे दोनों। देखिए 9 × 3 = 27 और 9 को जब 9 से हम 900 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 100 is to 3। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3 days and 36 hours। तो यहाँ पर देखिए डेज और आवर्स में है तो डेज को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 1 day = 24 hours एंड 30 days क्या हो जाएगा, 30 × 24 दैट इज 720 hours। ओके अब हम रेशो निकाल सकते हैं, अब हमारी यूनिट सेम हो गई ना, तो 720 is to 36, तो 720 is to 36 क्या है, ये जो है डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 36 बन जा और ये क्या आ जाएगा 20, तो 20 is to 1 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये 4 पार्ट आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल वेयर वी यूज प्रोपोर्शन इन अवर डेली लाइफ। तो क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां हम अपनी डेली लाइफ में प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल हम जो है दे सकते हैं ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ टी, हम जब जो है टी तैयार करते हैं उसमें आपने देखा होगा हम एक रेशियो से जो है मिल्क लेते हैं, रेशियो से हम उसमें शुगर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो सो ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ टी। ओके सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड जब खाना पकाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरह से रेशो में डालते हैं, कितना नमक डलेगा, कितना जो है उसमें टर्मरिक डलेगी, तो वो सब क्या है, वो सब हम एक जो है एस्टिमेट करके और रेशो में डालते हैं। ठीक है तो ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड, इसके अलावा और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल है बच्चों जो आप जो है लिख सकते हो, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसके अलावा अगर आपको एग्जाम्पल लिखे तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।